नमस्कार बच्चों, अब हम आज आपके सामने व्याकरण ले रहे हैं जिसमें सर्वप्रथम अलंकार। अलंकार क्या होते हैं? अलंकार कविता में सौंदर्य उत्पन्न करने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि जिस प्रकार किसी सुंदरी की शोभा बढ़ाने के लिए जल। तो ये जो तीनों शब्द हैं, पानी के जो आ
जहां एक वस्तु की दूसरी वस्तु से समानता या तुलना की जाती है वो उपमा अलंकार कहलाता है। अब हम जब उपमा अलंकार के चार अंग बताएंगे, पहला है उपमेय, उपमान, साधारण ढंग और वाचक शब्द। हम इनके बारे में बताने से पहले एक उदाहरण आपको बता रहे हैं जिससे कि जहां पर उपमेय उपमान में वो शब्द आएंगे तो आपको समझ में आए। नंदन पंछी फूल उठी व छोटी सी कुटिया मिली। पंक्तियां क्या है ध्यान से सुनिए, नंदन पंछी फूल उठी व छोटी सी कुटिया मिली। अब देखिए सबसे पहले उपमेय, तो उपमेय में जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है, किसी अन्य से तुलना की जाती है, उसे हम उपमेय कहते हैं। उपमेय किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य से तुलना की जाती है या समानता की जाती है उसे उपमेय कहा जाता है। अब देखिए इसमें आपको जो कुटिया है उसकी तुलना किससे की गई है? नंदन वन से। जो कुटिया है उसकी जो तुलना की गई है वो नंदन वन से की गई है। अब आता है उपमान, दूसरा, जिस प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से उपमेय की तुलना की जाए। अब उपमेय का आपको संज्ञा क्या है कि अन्य व्यक्ति से जो तुलना की जाती है वो उपमेय होता है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो उपमेय की तुलना की जाती है वो उपमान कहलाता है। आप देखिए यहाँ पर उपमेय में कुटिया की नंदन वन से तुलना की गई थी और चूंकि वो क्या यहाँ पे क्या बता रहे हैं उपमेय से उपमान की तुलना, यानी उपमेय कुटिया है तो यहाँ पर नंदन वन की जो समानता बताई गई है या तुलना की गई है वो कुटिया से। अब आता है साधारण ढंग, उपमेय उपमान में पाया जाने वाला समान गुण साधारण ढंग है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में हमारा फूल उठी जो शब्द है वो साधारण ढंग है। चौथा है वाचक शब्द, वाचक वे शब्द हैं जो उपमेय और उपमान में पाए जाने वाले गुण की समानता प्रकट करते हैं, यानी जो उपमेय उपमान में गुण होते हैं उसकी समानता प्रकट करते हैं वो वाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे इसमें सी शब्द का है, वन सी छोटी सी, तो ये जो सी शब्द है ये वाचक शब्द है। इसके साथ साथ जैसा, सम, सरस, तुल्य आदि शब्द की समानता जब बताते हैं या प्रयोग किए जाते हैं ये कहलाते हैं हमारे वाचक शब्द। अब आता है रूपक, उपमेय और उपमान के अभेद वर्णन को रूपक अलंकार कहते हैं, या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि उपमेय को उपमान का रूप दिया जाता है उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। अब इसका उदाहरण है अति आनंद उग्नि अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। अब देखिए इसमें जो चरण सरोज है वो उपमेय उपमान में अभेद आरोप लगा रहा है। अब है नंबर तीन उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार में जहां एक वस्तु से दूसरी वस्तु यानी उपमेय में उपमान की संभावना से मतलब होने की भावना प्रकट की जाती है तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण है सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने घात मनहु नील मणि सैल पर आतक परयो प्रभा। अब कभी आप ये बता रहा है इन पंक्तियों में कि जो भगवान श्री कृष्ण के जो सांवला शरीर है उसपे वो पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं और जो पीले वस्त्र से नीलमणि के पर्वत पर सुबह के समय पड़ने वाली जो धूप होती है वो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में बता रही है। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है
कि जो भगवान कृष्ण है वो सावलीकरण के या सावले शरीर पर पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं और नीलमणि के पर्वत पर जब सुबह सुबह तेज धूप पड़ती है तो वो क्या चमकने लगती है। धन्यवाद।